एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दे। सब ने थोड़ा सा सामान देकर मना कर दिया तो एक बुढ़िया बोली, ला बेटा मैं तेरी खीर बना दूं। और वह कटोरी ले आई तो गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरी क्यों लाई हो, टोप लेकर आ। अब बुढ़िया माई टोप लेकर आई, वह दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, तब तक तुम खीर बनाकर रखना। खीर बनकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई की बहू ने मुंह में पानी आ गया, वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी तो खीर का एक छींटा जमीन पर गिर गया जिससे गणेश जी का भोग लग गया। थोड़ी देर बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाने आई तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई मेरा तो भोग लग गया, जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो एक छींटा जमीन पर पड़ गया था, सो मेरा तो भोग लग गया। तो बुढ़िया बोले, बेटा अब इसका क्या करूं। गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खा पी कर सबको बांट देना और बच्चे तो थाली में डालकर छींके पर रख देना। शाम को गणेश महाराज आए और बुढ़िया को बोले कि बुढ़िया मेरी खीर दो। बुढ़िया खीर लेने गई तो उस थाली में हीरे मोती हो गए। गणेश जी महाराज ने जैसे ही धन दौलत बुढ़िया को दी वैसी सबको देना। ये गणेश भगवान की जय हो।